तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज आपका भाई जो है जा रहा है दुर्गापुर से 80 किलोमीटर दूर एक गांव में, और जाने का मकसद क्या है कुछ खास नहीं है, पर इसका स्टोरी भी मैं आपको बता दें। जिन लोगों ने भी नोटिस किया होगा उन लोगों को पता है कि मेरे चैनल का जो है 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इसी खुशी में मैं घर में सो रहा था रात को, एंड मेरा भाई आधी रात को मेरे को कॉल करता है एंड बोलता है, कंग्रेचुलेशंस भाई फॉर 200 सब्सक्राइबर्स, चलाए दोगा ने पढ़िया वे। तो मैंने भी सोच लिया कि भाई अपने दुकान पे बहुत दिनों से बुलाया जा रहा है, लास्ट ईयर उसने इनॉग्रेशन किया था, पर तब से अभी तक मुझे उधर जाने का मौका भी नहीं मिला। तो ये मौका है, चलो एक बार घूम के आते हैं एंड आपको भी थोड़ा बहुत घुमाते हैं मेरे साथ। अब बात यह है कि जो लोकेशन मेरे घर से बस 80 किलोमीटर दूर हो, वहाँ पे जाने के तकरीबन चार रास्ते निकलते हैं, मतलब चार तरीके निकलते हैं। पहला तरीका, वी कैन यूज बस। जो कि मुझे खास पसंद नहीं है। दूसरा तरीका है ट्रेन। जो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तीसरा तरीका हुआ, आपके पास अगर प्राइवेट कार है आप उससे जा सकते हो। पर ये आइडिया भी मेरे लिए कैंसिल है क्योंकि मेरे पास अपना कोई कार है नहीं। एंड अभी बारी आती है अपने चौथे तरीके की, जो कि है ये, विच लुक्स लिटिल कूलर एंड फास्टर देन ऑल दिस वेज, राइट? तो ऑफ कोर्स आई एम गोना चूज द फोर्थ तरीका, एंड मैं अब अपने बाइक से ही इधर से वो विलेज जाऊंगा। तो अब रास्ता तो मैंने आपको बता दिया, अब करना क्या है कुछ नहीं है। सुबह सुबह नींद से उठ के मैं तैयार होकर निकल पड़ता हूँ अपने रास्ते में। अभी बाकी का जो भी सीन है आपको थोड़ा बहुत सिनेमैटिक्स एंड बाकी का मोटो व्लॉगिंग सेटअप में दिखेगा। तो रास्ते में मिलते हैं आपसे सीधा। भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज का राइड का मज़ा अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यार पूरा ठंडा वेदर हो रखा है, बहुत मस्त। एंड ये देखो, चलते चलते गूगल मैप हमें अननेसेसरी किसी रास्ते पे घुसा दिया है। मतलब ये जो रास्ता जा रहा है ना, इसको हम अगर चाहते तो आराम से हाईवे के ऊपर से ही ले सकते थे, पर मैप ने क्या किया, हमें हाईवे से अलग कर दिया है। अब फिर से यही साइड से जाके हम हाईवे पे ही कनेक्ट होंगे। ये देखो कोई सेंस है इस बात का भाई? तो चलो चलते चलते क्या हुआ, मेरा बाइक का जो पेट्रोल थोड़ा कम है तो मैं इसको टैंक फुल करवा लेता हूँ। और ये वाला जो पेट्रोल पंप है ना, थोड़ा फेमस है क्योंकि अपने सिटी के जो बाइकर्स हैं ना, सुपर बाइकर्स, यहाँ पे राइड वगैरह करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैफे एक्सप्रेस बोल के कुछ है। ये देख सकते हो आप, मैं कभी यहाँ पे आया नहीं हूँ क्योंकि आने का मन भी नहीं किया सच बताएं तो। और ये जीटी रोड में आप देख सकते हो कि काम वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अभी थोड़ा मतलब सावधानी से सबको राइड करना है यहाँ पे, क्योंकि डाइवर्शंस हैं एंड बहुत कुछ है, तो देख दाख के चलना होगा। और देखते देखते हम लोग ना फिर से एक ऑफ रोडिंग रास्ते पर आ गए हैं। एंड ये रास्ता जो है थोड़ा उबड़ खाबड़ है, एंड भाई अपने ज़िंदगी जैसा है यहाँ पे सीन, टोटली अप्स एंड डाउन्स भरे हुए हैं, मतलब कुछ सही नहीं चल रहा। जैसे कि ये रास्ता वैसा ही मेरा लाइफ, दोनों सेम है। और ये ज़िंदगी के रास्ते पे चलते चलते हमको दिख रहा है भाई सामने एक गाड़ी भी है जो हमसे ज़्यादा अपना ज़िंदगी ख़राब करने के चक्कर में चल रहा है शायद। ओ और हमारे साथ यहाँ पे दो और लोग भी खड़े हैं। चलो कोई नहीं, आराम से चलते हैं इस रास्ते में, और क्या है अब ना कहीं पे भी ऐसे रास्ते अगर आपको दिखे ना, थोड़ा सावधानी से चलाएं और क्रॉस करें इसको। और ये साइड में पुलिस चेकिंग वेकिंग हो रहा है शायद, पता नहीं क्या है, पर चलो हमको पकड़ेगा अभी तो कोई सीन नहीं है भाई, पूरा पेपर वर्क होके रखते हैं हम लोग। एंड जो अपना है हेलमेट जूता ये सब पहन के रखते हैं, तो कोई पुलिस भाई चाहे भी तो चलान वगैरह नहीं काट सकता।
एंड बाकी ना ये जो मोटो व्लॉगर्स लोग, छपरी लोग जो दिखाते हैं पुलिस के बारे में, ये वो सब घपला बातें हैं। मतलब तुम सही रहेगा ना यार, तुम्हारा लहजा सही रहेगा बातचीत करने का, तो सब सही से सॉर्ट आउट हो जाता है। और ये चलते चलते हम कहीं रेल क्रॉसिंग पे आ गए हैं, ये जगह का मुझे नाम पता नहीं है। तो हाँ, मैं जो बता रहा था यार, ये पुलिस के रिलेटेड ना, ये छपरी व्लॉगर्स ही ज़्यादा दिखाते हैं, अदरवाइज़ तो रास्ते में चलो सही है, कहीं पे पुलिस अगर चेकिंग वगैरह करता भी है तो आपको सही से बात करना चाहिए ना। मतलब ये आपके वर्ड्स ही कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनके सहारे आप कोई भी काम कर सकते हो आराम से। एंड ये चलते चलते बहुत दिनों के बाद मुझे खाली रास्ता मिला है ना, यहाँ पे गाड़ी चला के मज़ा भी आ रहा है बहुत। एंड ये खाली रास्तों पर हम थोड़ा तो खींचते हैं गाड़ी को, मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 70-80 मैक्सिमम रखते हैं, उससे ज़्यादा अपना बाइक भाई सपोर्ट भी नहीं करता है। यूँ तो चलाने को 120 भी चल जाता है इसमें, पर अपना सेफ्टी अपने हाथ में है भाई। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अपना प्रो राइडर 1000 बोल के जो राइडर है, 22 साल का बच्चा था वो, उसने अपना लाइफ खोया है। तो लाइफ उसने खोया है, पर सीख बहुत सारे लोगों को दिया है उसने कि यार रास्ते में आप सही चलाओ, ये मैटर नहीं करता। अगर आपके आसपास वाले में किसी की गलती हो, उसमें भी आपकी जान जा सकती है। तो यार ऑलवेज बी अवेयर कि यार आसपास आप देख के चला रहे हो, अपना मिरर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, सब कुछ सही से करना होगा, फिर जाके आप रास्ते में सही से चल सकते। और यहाँ पे साइड पे थोड़ी देर रुकेंगे यार हम लोग, बहुत देर से बाइक चला रहा हूँ। सो ऑलराइट जी, अभी का तो फिलहाल अपडेट यह है कि रास्ते में कहीं पे रुका हुआ हूँ, मतलब जस्ट रेस्ट के लिए, क्योंकि पिछले 60-70 किलोमीटर से मैं बस बाइक चलाए जा रहा हूँ। और अभी यहाँ से अपना लोकेशन बस और 4-5 किलोमीटर ही दूर है शायद, नहीं ये 7.5 किलोमीटर दूर है। तो वहीं पे पहुँचने से पहले थोड़ी देर मैं रेस्ट ले ले रहा हूँ। और मेन गाड़ी रोकने का कारण ये है कि आप मेरे पीछे का लोकेशन देख सकते हो कैसा है, मैं आपको बैक कैमरे में दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। दिस इज़ प्योर ब्यूटी ऑफ विलेज यार, गांव एरिया में आप आओगे तो इतना सुंदर आपको सब कुछ दिखेगा ही। तो चलो अब आगे का जर्नी हम लोग चालू करते हैं। और इधर से जो है, और थोड़ी देर में ही मैं पहुंच जाऊंगा अपने डेस्टिनेशन को, तो मैं सीधा वहीं पे जाके आपसे बात करूंगा। और यहाँ के रास्ते यार बहुत बढ़िया हैं, मतलब स्मूथ हैं, चलाने में मज़ा आ रहा है। चलो आपसे सीधा दुकान पे जाके ही मिलते हैं। ये रहा अपना भाई, इधर बैठा है, तो चलो उससे भी मिला देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले मेरे वीडियोज़ पे, तो ये रहा भाई। और ये इनका फैमिली स्टार्टअप है, अभी तो फिलहाल इनिशियल डेज में है, तो यहाँ पे आपको बेटर प्राइस में बेटर क्वालिटी और सब कुछ मिलेगा। तो किसी को अगर अच्छा सामान चाहिए भाई, तो यहाँ पे एक बार ऑर्डर करके देखो, अगर बल्क में आपको चाहिए होगा तो एल्यूमिनियम एंड ग्लासेस में ऑल ओवर वेस्ट बंगाल सबसे बेटर क्वालिटीज में सर्विस ये लोग देगा आपको। अब तो भाई ये देखो, ये है इधर का सेकेंड पार्ट, मतलब जो स्टोर है वो है ये वाला। यहाँ पे सब कुछ है, मतलब एल्यूमिनियम्स के रिगार्डिंग ना, एल्यूमिनियम एंड ग्लासेस में आपको जो कुछ भी चाहिए होगा यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। एंड इसमें किसको क्या बोलते हैं मुझे तो इतना आइडिया है नहीं। तो चलो मैं भाई का कांटेक्ट नंबर एंड दुकान का एड्रेस भी दे दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कुछ भी क्वेरीज करना होगा रिगार्डिंग एल्यूमिनियम एंड ग्लास आप कर सकते हो एनी टाइम। क्या बोलता भाई, नंबर दे देना। चलो फिर नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एड्रेस वगैरह भी दे दूंगा सब कुछ। और इसका लोकेशन देखो, जो एरिया है मतलब मेन रोड के ऊपर ही है वो, इसको काटवा मेन रोड बोलते हैं शायद। और इधर से अभी तो हम लोग चलेंगे मार्केट की ओर, क्योंकि यहाँ पे दो बाजार हैं तो मुझे दोनों ही देखना था। तो मैं भाई को कब से बोले जा रहा हूँ कि चल मेरे को घुमाने ले चल, तो यहाँ से निकल के सीधा हम लोग अभी बाजार में ही खड़े हैं। ये हो गया फर्स्ट मार्केट जो कि नियरेस्ट है दुकान से। और अभी तो लगभग दोपहर के 1 बज रहे हैं, फिर भी कुछ दुकानें खुले हैं, तो भाई थोड़ा ख़रीदारी करने गया है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और ये देख सकते हो जगह ये है, पर सुबह को मैं जब आया था ना यहाँ पे भीड़ भाड़ अच्छा खासा ही था। अभी तो फ़िलहाल चलो दोपहर के 1 बज रहे हैं तो भीड़ थोड़ा कम है, बाकी यहाँ पे गाँव का मार्केट है तो भीड़ भाड़ होना बनता ही है यार, मतलब होता है भीड़। और इधर से निकल के हम लोग अभी जा रहे हैं स्टेशन साइड में, क्योंकि वहाँ पे भी एक मार्केट है, वहाँ पे भी मुझे देखना है कुछ, मतलब ऐसे ही जस्ट घूमने के लिए जा रहे हैं, मेन कुछ नहीं कि देखना है। और ये मार्केट तो पूरा ही बंद है, मतलब दो एक दुकानें छोड़ के सारे दुकानें बंद है। तो अचानक से मुझे याद आया कि मैं तो सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मुझे कुछ खाना भी था,
तो इसी चक्कर में घूमते घूमते आ गया कि शायद कुछ मिल जाए। तो अपना लक तो सही था क्योंकि हमें ये कचौड़ी खाने को मिल गए यहाँ पे, और कचौड़ियों को ख़त्म करके हम फिर से जाते हैं दुकान की ओर। और ये रास्ते भाई बहुत ही अच्छे हैं, मतलब आप आओगे ना बाइक लेके मज़ा आ जाएगा आपको भाई। और दुकान में आके हमें दिखता है यहाँ पे बिरयानी बन रहा है, और बिरयानी अभी ऑलमोस्ट रेडी है। तो बिरयानी को उतार के यहाँ पे भाई कटिंग वटिंग करके, मतलब कटिंग बोल के वो काट के सर्विंग करते हैं ना, वो बोल रहा हूँ, कटिंग मतलब छुरी से काटना नहीं है। तो अभी चलो, और हियर इट इज़ द एंडिंग ऑफ टूडेज वीडियो, क्योंकि अपना जो घूमना फिरना था भाई वो हो गया। अभी अपना बैग वगैरह उठाते हैं और धीरे धीरे निकलते हैं दुर्गापुर के लिए, क्योंकि शाम अभी हो चुका है तकरीबन 5, तो जाने में भी मुझे 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाएगा। तो चलो अभी इधर से निकलते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।